एमएस धोनी ने भले ही तिरुवनंतपुरम टीवीज में एक भी गेंद नहीं खेली, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक अहम कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने वाले एमएस धोनी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टीवीज में शून्य रन के साथ नॉट आउट रहे। यह उनके करियर में पहला मौका है जब वह शून्य पर नॉट आउट रहे हैं। धोनी ने हाल ही में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 119 नॉट आउट को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। धोनी वनडे में 76 बार, टेस्ट में 16 बार और टीवीज में 36 बार नॉट आउट रह चुके हैं। इस तरह से वह अपने करियर में अब तक कुल 128 बार नॉट आउट रह चुके हैं। टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम टीवीज में न्यूजीलैंड को 6 रनों से हराते हुए टीवीज सीरीज 2 रन 1 सेकंड अपने नाम कर ली। मैच के शुरू होने से पहले खासी बारिश हुई थी, जिसके कारण मैच का खासा समय बर्बाद हुआ। आखिरकार मैच एम्पायरों ने 8 रन 8 ओवरों का कराने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दी। या पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और दोनों ओपनर शिखर धवन 6 और रोहित शर्मा 8-15 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला, चूंकि ओवर ज्यादा न बचे थे इसलिए बड़े स्ट्रोक लगाने ही एकमात्र उपाय था। कोहली ने आनंद फानंद में एक चौका और छक्का लगाया और 6 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवरों में मनीष पांडे 17 और हार्दिक पांड्या 14 ने अच ही बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को 60 के पार ले गए। टीम इंडिया ने 67/5 का स्कोर बनाया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम 8 ओवरों में 61/6 का ही स्कोर बना पाई। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 9 रन देकर 2 विकेट छटके, वहीं युजवेंद्र चहल ने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किए। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।